हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा क्लास 9 का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 में फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसमें कवर करा। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और पार्ट होता है जिसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा टॉपिक रह गया था। तो अब हम इस लेक्चर में सिर्फ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनर्शिया कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो हम इस पूरे लेक्चर में इनर्शिया को डीपली पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इनर्शिया ऑफ मास, हम पढ़ते हैं इनर्शिया आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है हर मैटर की, हर वो चीज़ जिसके पास मास है उसके पास इनर्शिया है। हमें ये चीज़ क्लियर करनी है, इसीलिए हम उसको इनर्शिया ऑफ मास ही बोलते हैं। बाकी हर वो चीज़ जिसके पास मास है, कुछ वजन है, जिसका कुछ वेट है, उसके पास इनर्शिया होता है। ठीक है, ये एक हर बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी उसके अंदर खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने अंदर चेंजेस को बर्दाश्त नहीं करता, समझिए, जिससे वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रोकता है। ये प्रॉपर्टी होती है हर बॉडी की, जिसके पास मास है, हर वो बॉडी जिसके पास मास है उसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, जिससे वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है, होने नहीं देता। तो ऐसे ये जो प्रॉपर्टी है, जो अपने अंदर चेंजेस ना होने देने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मास। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि इनर्शिया जो है, किसी बॉडी का जो इनर्शिया है, वो चाहेगा कि जैसी वो स्टेट में है, अगर वो स्टेट रेस्ट स्टेट में है या मोशन में है, तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, या अगर वो मोशन में है तो वो क्या चाहेगी, उसका इनर्शिया क्या चाहेगा, कि वो मोशन में ही रहे। क्यों? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर चेंजेस को बर्दाश्त नहीं करती, चेंजेस को रोकती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हर चीज़ जो अगर रुकी है तो इनर्शिया क्या चाहेगा उसका, कि वो रुकी रहे, वो रेजिस्ट करेगा उसके अंदर होने वाले चेंजेस को, यानी उसको रोकना ही चाहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो इनर्शिया क्या चाहेगा, कि ये बॉडी मोशन ही करती रहे। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। फिर पढ़ते हैं, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, रोकता है, रुकावट पैदा करता है। किसके अंदर रुकावट पैदा करता है? रेजिस्ट इन अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ या तो रेस्ट या मोशन। ठीक है, रुकी है तो वो क्या चाहेगा उसके अंदर की प्रॉपर्टी इनर्शिया, कि वो उसको रोके ही रखे। अगर चल रही है तो इनर्शिया क्या चाहेगा, उसे चलते ही रखे। इसकी हम एक नहीं कम से कम मोर देन 5 एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हमारा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, ये ग्लास है, इसके ऊपर एक पेपर रखा है जिसके ऊपर एक कॉइन है, दिस इज अ, ये कॉइन है और ये पेपर रखा है। तो एक लड़के ने यहाँ पे इसको ऐसे करके पुश करा, काफी तेज पुश करा, काफी तेज वेलोसिटी से या काफी तेज एक्शन करके इनने पुश करा, जिससे क्या हुआ, ये जो पेपर है यहां से निकल के आगे की तरफ, देख सकते हैं आप, चला गया, ग्लास को छोड़ के आगे की तरफ निकल गया। मगर जो इसके ऊपर सिक्का रखा हुआ था, कॉइन रखा हुआ था, वो ग्लास के इस पेपर के साथ नहीं जाता, वो जबकि ग्लास के अंदर गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पेपर के पास और इस कॉइन दोनों के पास मास है, तो इन दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मास, जिसकी वजह से ये दोनों पेपर और कॉइन क्या चाहते हैं, कि हम अपनी स्टेट को रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही बने रहें। मगर हमने क्या करा, फोर्स किस पे अप्लाई करी, हमने फोर्स अप्लाई करी पेपर पे, ना कि कॉइन पे, हमने पेपर के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसकी इनर्शिया को चेंज कर दिया। क्योंकि हमने अगर इनर्शिया को चेंज करते हैं तो हमें फोर्स लगानी होती है, तो हमने इस पे फोर्स लगा के इसकी इनर्शिया को चेंज कर दिया। अब कॉइन, क्योंकि हमने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाई, कॉइन अपनी इनर्शिया को बनाए रखा, है ना। इनर्शिया क्या था इसका, कॉइन का इनर्शिया क्या था पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो ये अपने इनर्शिया को बनाए रखा और रेस्ट की तरह ही नीचे गिरा, जैसे कि कॉइन ये रेस्ट पे से हमने छोड़ा हो। ठीक है, इसी तरह हमें ये याद रखना है, अगर किसी चीज़ के अंदर इनर्शिया, हर चीज़ के अंदर है मास है, अगर इनर्शिया को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें तब भी उस पर क्या लगानी होती है, फोर्स। इसी तरह अगर हम जानते हैं, एक हमने
एक धागे को लटकाते हैं एक पत्थर को, और अगर हम उस पत्थर को कुछ हाइट तक ऊपर लेके जाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आता, जबकि उस मेन पोजीशन जो उसकी मेन पोजीशन थी उसके बैक एंड फोर यानी आगे और पीछे ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले जो हमने लटका रखा था उसके अंदर था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मास है उसके पास इनर्शिया है, उस इनर्शिया को क्या बोलेंगे, क्योंकि रुका हुआ है बॉडी तो क्या बोलेंगे, इनर्शिया है, कौन सा, रेस्ट वाला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमने क्या बताया, अगर हम इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम इनर्शिया को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स लगानी होगी एक्सटर्नल। तो हमने क्या करा, उस पत्थर को फोर्स लगा के थोड़ा हाइट तक उठाया, अब छोड़ दिया। अब हमने क्या देखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो पहले पत्थर रुका हुआ था उसका इनर्शिया चेंज हो गया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट से उसको पत्थर का क्या हो गया इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी हमने उसका इनर्शिया बदल दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जब हम उस पत्थर को रिलीज करेंगे तो वो अपने, अब क्या चाहेगा, वो उसका इनर्शिया इस वक्त मोशन हो गया है, अब वो चाहेगा कि उसका इनर्शिया मोशन ही बना रहे, इसलिए वो पत्थर मोशन में आ जाता है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें आ गया। अब वो क्या चाहेगा, उसका इनर्शिया, अब ये मोशन में आ गया है तो अब ये मोशन ही करता रहे, तो हम क्या देखते हैं, पत्थर मोशन ही करता रहता है। कुछ वक्त के बाद रुक जाता है हवा के रुकावट की वजह से, हवा जो उसमें भी थोड़ा बहुत उसको हिलने में रेजिस्ट करती है। बाकी यही है कि इनर्शिया को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें फोर्स लगानी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, इनर्शिया जैसे कि हमने बताया पत्थर का, उसके अंदर इनर्शिया पहले रेस्ट था तो हमने देखा वो बिल्कुल रेस्ट पे था, हमने फोर्स लगा के उसके इनर्शिया को चेंज करा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन करा। अब जब हमने इसको छोड़ा तो अब उसमें इनर्शिया आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, अब वो इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया तो मोशन क्या चाहेगा, वो मोशन ही करता रहे, इसलिए पत्थर अपनी मेन पोजिशन पर नहीं रुकता और आगे पीछे शुरू करना शुरू कर देता है मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल थी, और इसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस इसके देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया, कॉम्प्लिकेशन इनर्शिया की, ठीक है। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल लेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो हम इसको अभी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं, मान लीजिए कि दोनों के दोनों कंडीशन के अंदर ये जो एक लड़का है ये बस के फ्लोर पर बैठा है, यानी ये है बस का फ्लोर, ठीक है, दोनों में। तो अगर हमें मान लेते हैं कि अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम दो इक्वल हाफ्स में बांटें तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये ऊपर वाली को मान सकते हैं अपर बॉडी, ठीक है, और नीचे वाली को हम मान सकते हैं लोअर बॉडी, ठीक है। तो इस वक्त बस के फ्लोर से इस ह्यूमन की लोअर बॉडी अटैच मतलब जुड़ी हुई है, लोअर बॉडी की मदद से ये फ्लोर पे, बस के फ्लोर पे खड़ा हुआ है। अभी इस वक्त बस रुकी हुई है और इस वजह से जो ऊपर लड़का है वो भी रुका हुआ है, यानी इन दोनों के अंदर इस वक्त जो इनर्शिया होगा वो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी वो क्या चाहेगा, इनको रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, इनमें चेंजेस ना होंगे, रेस्ट ही रहें। अब क्या होता है, किसी वजह से बस ने, फॉर एग्जांपल इनने बस स्टार्ट करी, इंजन ने फोर्स लगाया, वर्क करा, इंजन ने फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ, बस अब मोशन करना शुरू हुआ, यानी अब बस का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में। अब बात करते हैं इसकी, इसका जो लोअर बॉडी है जो कि बस के फ्लोर से अटैच है, जैसे ही बस का ये फ्लोर आगे बढ़ता है उसी वक्त इसकी जो लोअर बॉडी है जो कि बिल्कुल बस के फ्लोर से कनेक्ट है, ये भी उस बस के फ्लोर के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। मगर इस बस का इनर्शिया चेंज हो गया बस के फ्लोर का साथ साथ, इस लड़के की जो लोअर बॉडी है जो कि बस के फ्लोर से ज्वाइंट है समझ लीजिए, वो भी अब चेंज हो गया, यानी अब वो भी इनर्शिया ऑफ पहले रेस्ट था इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया। मगर अपर बॉडी के बारे में बात करें तो अपर बॉडी अभी भी अपने आप को रेजिस्ट कर रही है, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही बनी हुई है, जिससे क्या होता है कि बस का जो फ्लोर जब आगे बढ़ती है बस के फ्लोर के साथ लोअर बॉडी तो आगे चली जाती है हमारी, थोड़ी सी, पूरी नहीं, थोड़ी सी आगे की तरफ होती, जबकि जो हमारी अपर बॉडी है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बनाई हुई है। इससे क्या होता है कि जो अपर बॉडी है थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है, हमारा जो बस का फ्लोर है वो आगे मूव करता है, जिससे हमारा लोअर बॉडी भी, अगर हम माने दो पार्ट्स करके, नीचे वाली बॉडी भी मूव करती है, जबकि नीचे के साइड हम मान सकते हैं इनर्शिया चेंज हो गया, जबकि ऊपर जो अपर बॉडी है उसका इनर्शिया थोड़ा थोड़ा सा लेट चेंज होता है।
तो हम देखते हैं कि ये हमें पीछे धक्का लगता है थोड़ा सा, यानी यहाँ का इनर्शिया तुरंत चेंज हो जाता है बस के संपर्क में, कॉन्टेक्ट में, जबकि यहाँ ये बस के कॉन्टेक्ट में नहीं है हमारी अपर बॉडी, ये अपने आप को इनर्शिया रेस्ट ही रखती है, थोड़ी देर के बाद ही ये मोशन में आती है जी, ये थोड़ी देर का जो फर्क पड़ता है जिससे हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। आइए बी कंडीशन देखते हैं। अब कंडीशन ये है कि अब बस मोशन कर रही है, बस मोशन कर रही है और इसके जो अपर बॉडी है और लोअर बॉडी दोनों की दोनों बस के फ्लोर पे हैं, तो ये भी मोशन कर रहा है, यानी अब दोनों में कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी अब इनमें है इनर्शिया ऑफ मोशन इस लड़के में भी और इस बस के फ्लोर में भी। अब बस ने ब्रेक अप्लाई करा और ये जो फ्लोर है, ये जो बस का फ्लोर है, ये अब रुक गया, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन से अब किस में आ गया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह ये जो लोअर बॉडी है वो भी इसके कॉन्टेक्ट में है, जिससे वो भी तुरंत जैसे बस का फ्लोर रुका इनर्शिया ऑफ मोशन से रेस्ट हुआ, ऐसे इसकी लोअर बॉडी भी इनर्शिया ऑफ मोशन से रेस्ट हो गई, मगर जो अपर बॉडी थी जो कि कनेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है डायरेक्ट, वो अभी भी अपने आप को इनर्शिया ऑफ मोशन में बनाए रखी है, मतलब रिटेन करी, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही है, जिससे क्या होता है हमें क्या महसूस होता है, हमारा लोअर बॉडी तो रुक गई मगर बस जब रुकती है ब्रेक लगाती है हमारी अपर बॉडी हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए जब बस रुके से चलती है तो हमारी लोअर बॉडी को समझ लीजिए साथ ले जाती है, साथ आगे ले जाती है, जबकि अपर बॉडी हमारी थोड़े से वक्त के बाद ही एडजस्ट होती है जिससे हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों होता है, क्यों होती है ये, क्योंकि ये अपने आप को इनर्शिया ऑफ मोशन ही बनाए रेस्ट ही बनाए रखती है, थोड़ी देर के बाद मोशन में आती है, जबकि इसी यहाँ पे देखें सब इनर्शिया ऑफ मोशन में थे, इसमें ब्रेक अप्लाई करा, फ्लोर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गया, लोअर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गई रुक गई, जबकि अपर बॉडी अभी भी मोशन में है क्योंकि चल रही थी बस, है अब थोड़ी देर के बाद ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आएगी, वो थोड़ी देर के बाद जाएगी, टाइम का फर्क पड़ा जिससे हम इसको आगे की तरफ धक्का लगता है। तो ये हम दोनों देखा होगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कार है, इसके ऊपर लगेज रखा हुआ है, जब कार चल रही होती है तो क्या होता है, जब कार चल रही होती है एकदम से तो क्या होता है, कार ये जो ऊपर लगेज है इसका जो इनर्शिया है वो है रेस्ट, कार का भी इनर्शिया रेस्ट, कार जैसे ही आगे बढ़ती है मगर जो लगेज है इसका भी इनर्शिया क्या है, अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कार तो आगे बढ़ जाती है मगर वो लगेज थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा, कार का तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन में कन्वर्ट हो गया मगर लगेज अभी भी अपने आप को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बनाया हुआ है, थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को मोशन लाएगा, वो थोड़े से टाइम की वजह से ये थोड़ा कार आगे बढ़ती है थोड़ा सा ये पीछे खींच सकता है। ठीक है, इसी तरह जब कार मोशन के बाद रुकती है, यानी मोशन में है कार, लगेज भी मोशन में, यानी इनमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, अब जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो हम क्या देखते हैं, कार तो रुक जाती है मगर ये जो लगेज है ऊपर ये अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन कर रहा है, कार रुक गई, ये थोड़ा सा वक्त के बाद इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आके रुकेगा, तो इतने में क्या होता है, ये लगेज जब कार ब्रेक मारती है आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, थोड़ी देर में अपने इनर्शिया को चेंज करता है, तो इस दोनों इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको रस्सी से बांधते हैं जाके चलते वक्त और रुकते वक्त ये आगे पीछे ना हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का, यहाँ पे हमारा इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया की सारी एप्लीकेशंस ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Thank you for watching.